भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का बयान बड़ा शर्मनाक है पता नहीं किस मानसिकता के आधार पर उन्होंने ऐसी बात कही कि मणिपुर में बहन बेटियों को हल्की खरोचें आई उनको शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं आज पूरा देश का सर शर्म से झुका हुआ है धनखड़ जी आपने वो वीडियो नहीं देखे किस तरह वहाँ माता बहनों को नग्न अवस्था में घुमाया गया आज देश की आज़ादी के छिहत्तर वर्ष हो गए छिहत्तर वर्ष बाद यह देश महिला सुरक्षा में स्वलंबी नहीं हो पाया आपकी सरकार ने पिछले नौ वर्ष में कितने महिला उत्पीड़न के मामले इस देश को दिए हैं आज हरियाणा भी महिला अपराध में देश में नंबर वन हो चुका है आप केवल और केवल जाति धर्म के आधार पर बात बांटकर सत्ता तक पहुंचते हैं आपको मणिपुर की बहनों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा महिला उत्पीड़न की घटनाएं दिखाई नहीं दे रही उल्टा आप उस मामले को खरोच कहकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं आज देश का छिहत्तरवा स्वतंत्र दिवस है मैं सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को बधाई के साथ शुभकामनाएं भी देता हूं। परंतु आज हमें आकलन करने की ज़रूरत है जिस तरह इस देश की पहचान हमारे महिला गौरव के साथ है आज देश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं हमको अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाते हुए और अगर हम वास्तविकता में अपने देश से प्यार करते हैं तो इन सब घटनाओं का आकलन करके अपने देश और गौरव सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी जय हिंद जय भारत हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद